दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेवा दस्तक। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं उटावर थाना से SHO राधेश्याम जी। ईमानदारी की मिसाल हैं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आज इनका उटावर के आंधा मोहल्ले में और गांव उटावर की 36 बिरादरी ने पगड़ी बांध कर सम्मानित किया है, इस पर क्या कहना चाहें? देखो, सबसे पहला मैं उटावर गाँव के सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो लोगों ने हमारे को इतना प्यार दिया, प्रेम दिखाया, सहयोग दिया। तो इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, जब हम कहीं जाते हैं तो हम लोगों से भी मिलते हैं, लोगों के आप पर इल्जामात हैं कि राधेश्याम जी आते हैं, खड़ी हुई मोटरसाइकिलों को ले जाते हैं या फिर बेवजह कोई खड़ा है उस पर डंडा चला देते हैं, तो इस पर कितनी सच्चाई है, क्या कहना? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। हम मोटरसाइकिल उसी पर कार्रवाई करते हैं जो बिना नंबर प्लेट की है, जो जिसका ओनर नहीं है, जिसको प्रूव नहीं कर पाते कि भाई ये इसी की है, वो चोरी की है, ऐसे बगैर ओनरशिप के, बगैर कागजात के, जो मालिक ये प्रूव नहीं कर सके ये हमारी मोटरसाइकिल है, वो आपराधिक तत्व तो उनको दुरुपयोग करते हैं। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिन पहले पलवल में 95 लाख रुपए की लूट हुई थी, वे ऐसे ऐसी वारदात अपराधी तत्व तो इन्हीं कारण से बिना नंबर प्लेट या दूसरे बिना कागजों के फर्जी नंबर लगा करके अंजाम देते हैं। और हमारा ये है कि ऐसे अपराधी तत्वों को अंकुश लगाने के लिए चेकिंग, मोटर व्हीकल चेकिंग जरूरी है, तभी उन पर अंजाम लग सकता है। जिनके नहीं कागजात नहीं है, ओनरशिप नहीं प्रूव कर सकते, उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं। अगर जो अपराधी ओनर भी ड्राइवर पकड़ा जाता है, ओनरशिप नहीं प्रूव कर पाता कि ये मोटरसाइकिल उसकी है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। उटावर थाना क्षेत्र के अंदर जो गांव आते हैं, खासकर उटावर गांव के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या काम गाँव में नहीं होने चाहिए? देखिए, हम उटावर गाँव के सभी लोगों से मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप जो गांव में गांव के की जो गांव को अपराध मुक्त बनाने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की इमदाद करें। हम आश्वासन देते हैं कि जनता का पूरे तरीके से सहयोग करेंगे और हर तरीके से हम अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्य करेंगे, बशर्ते हमारे को जनता सहयोग करे, हम उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने को तत्पर हैं और करेंगे। जी, गांव में गरीब लोग हैं जिन पर जुल्म होता है, वो थाने में आने से भी डरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पुलिस को खवा सके, अब तक इल्ज़ाम लगते आए हैं, तो किस तरह से भरोसा दिलाएंगे उन? देखिए, गरीब आदमी को किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, और बेहिचक हो करके जो जिसके खिलाफ अपराध हुआ बेहिचक थाने में आ सकता है। आप थाना आपके लोगों के लिए, आपके एरिया में आप लोगों के लिए है, दुख दर्द मिटाने के लिए है, और गरीब लोगों को किसी भी प्रकार के सरकार ने मुकदमे दर्ज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। अगर दलाल कोई बीच में आता है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को सख्ती से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गरीब लोग बेहिचक होकर के आ सकते हैं और मेरे से मिल सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान किया जाए।